everyone. Welcome back to my channel, Life Story Time. देखने वाले हैं बुक्स के रिव्यू, यानी पेरेंटिंग के लिए कौन से बुक्स अच्छे हैं वो आज आपको बताने की कोशिश करने वाली हूँ। ओके, सो ये वीडियो बोथ एडॉप्टिव एंड नॉन एडॉप्टिव दोनों पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैं पिछले 1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा बुक्स सर्च कर रही थी और बहुत मुश्किलों के बाद ये बुक्स मुझे मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बुक्स हमें क्या सिखाती है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट पेरेंट, सो बी अ गुड वन। सो हमें एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है वगैरह वगैरह वो नहीं सिखाएगी ये बुक्स। हमें अपने आप में कौन से डिसिप्लिन लाने बहुत ज़रूरी हैं, पेशेंस कैसे इम्प्रूव करना ज़रूरी है, ये सब समझाती है हमें ये सारे बुक्स। ओके, सो वन बाय वन हम रिव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस बुक के बारे में देख लेंगे, How to talk so kids will listen and listen so kids will talk. So basically this book has tips के साथ साथ में practice exercises भी दी गई हैं कि situation के accordingly हमें बच्चों के साथ किस तरीके से बात करना चाहिए और किस तरीके से अगर parent ने बात करी है तो बच्चों ने कैसे लिया है वो angle, तो वो भी यहाँ पर clearly दिखाने की कोशिश करी है author ने। So ये book क्यों इम्पॉर्टेंट है पढ़ना कि हमारे बच्चे एग्जैक्टली क्या फील करते हैं। सारी ही बुक्स, पेरेंटिंग बुक्स हमें क्या सिखाती हैं कि बच्चे एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं वो जानना कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, हर वक्त डोमिनेट करके, उनको जज करके या उनको चुप बिठा के बात नहीं बनती, तो फिर वो ना एग्रेसिव बन जाते हैं बच्चे। अगर हमें उनको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना है तो पहले हमें अपने आप में काफ़ी चेंजेस कराने होंगे एज अ पेरेंट। तो पहली बात तो हम अगर पेरेंट हैं तो हमारा ही उन्होंने सब सुनना चाहिए, ये जो रट होती है ये छोड़ के आगे कैसे जाना है। बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं कहूँगी मैं, लेकिन एक गुड ह्यूमन बीइंग वाला बिहेवियर कैसे देना है ये इन सारी बुक से पता चलता है। इस बुक से मुझे क्या क्या पता चला, व्हाई लिसनिंग टू आवर किड्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब हमें ऐसा लगेगा ना कि ये सुनना ज़रूरी है तो तब एक्चुअली हमें उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। एंड वो सुनते वक्त अगर हमें लगा कि बच्चे गलत है, ये जो उन्होंने किया है अभी जो वो हमारे साथ इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं तो उसमें वो रॉन्ग है। जैसे कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में से किसी की पेंसिल लेके आते हैं, किसी का पेन लेके आते हैं, तो वो सुनते वक्त ही हमें गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे किया, और उसको चोरी का लेबल देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऐसे सिचुएशन में बच्चों को एग्जैक्टली कैसे समझाना है ये वर्ड टू वर्ड इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो हमें ना एक तरीका दिखाते हैं, एक तरीका सिखाते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। मेरे लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रही है। और ये सारी जो बुक्स मैं आज आपको दिखा रही हूँ ये मैंने पिछले 1.5 साल से रीड करना स्टार्ट किया था। ये 1.5 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी, ये भी 1.5 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी, और मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने आप में, चेंजेस लाने की कोशिश की पहले, तो जब वो वर्क होने लगे, इन्होंने जो जो नुस्खे यहाँ इसमें दिए हैं, तब मुझे ऐसे लगा कि हाँ ये पेरेंटिंग बुक्स अच्छी हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे भी बहुत ही अजीब जिद करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो ऐसे में ना गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं आता ऐसे मैं नहीं बोल सकती, गुस्सा तो आता ही है, लेकिन विदाउट उन्हें पनिश किए बिना या उन पर चिल्लाए बिना हम क्या फील कर रहे हैं एक्चुअली, ये उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस बुक से पता चला। ओके, सो ये बुक ये भी हेल्प करती है हमें कि हमारी फीलिंग्स क्या है वो भी हम कैसे इंट्रोड्यूस कराए बच्चों को, कि उनको समझाना कि जैसे कि स्प्रू कभी कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के खेलती है या मेरी कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनती, वो जल्दी जल्दी खाना नहीं खाती, तो ये कैसे उसके लिए भी ख़राब है और मुझे क्या फील होता है उस वक्त, वो उसको उसकी लैंग्वेज में समझाना कैसे ज़रूरी है ये इस बुक से पता चला। वो इट वर्क्स, बहुत ज़्यादा उसमें मुझे चेंजेस दिख रहे हैं पिछले 1.5 सालों में और अपने आप में भी। बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दी गई हैं इस बुक्स में जो रियली मेक सेंस। ओके, सो सिर्फ बुक रीडिंग करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो रीड करने के बाद आपको धीरे धीरे अपने आप में इम्प्लीमेंट करना उन बातों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये बुक बेसिकली ये वाली बुक जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा व्हाई एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, मैंने सिर्फ एक ही ये
इन ऑथर की एक ही बुक पढ़ी है, लेकिन उनकी और कौन कौन सी बुक से आपको बोलती हूँ। हाउ टू टॉक सो लिटिल किड्स विल लिसन, हाउ टू टॉक सो किड्स कैन लर्न एट होम एंड इन स्कूल, हाउ टू टॉक सो टीन्स विल लिसन एंड लिसन सो टीन्स विल टॉक। सो इसका टाइटल ये बोलता है कि ये टीनेजर बच्चों के लिए ये बुक है। हाउ टू टॉक सिबलिंग्स विदाउट राइवलरी, बेसिकली ये बुक है मेरे हिसाब से 2 to 10 years के पेरेंट्स अच्छे से इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है ये। इसमें जो जो ट्रिक्स दी गई हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। सो हाँ, मेरी तरफ से ये फर्स्ट रिकमेंडेशन इस बुक का रहेगा, हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। एंड जो लास्ट वाली बुक है वो एडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी, लेकिन वो हम सबसे एंड में देख लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज के वीडियो का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी। सेकेंड बुक द होल ब्रेन चाइल्ड, टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये ब्रेन के रिगार्डिंग कुछ तो है। सो ब्रेन का और पेरेंटिंग का क्या कनेक्शन? सो ये बुक हमें सिखाती है कि लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, अपस्टेयर्स ब्रेन, डाउनस्टेयर्स ब्रेन, ये सारे जब एक्टिव होते हैं तब हम बच्चों के साथ कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो दिस बुक हेल्प्स टू मेंटेन एंड क्रिएट अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद आवर चाइल्ड। यहाँ पे ऑथर ने स्पेशली मेंशन किया है कि टॉडलर्स के लिए ही ये बुक, टॉडलर्स को ध्यान में रख के ही ये बुक्स लिखी गई है। सो जैसे बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही ब्रेन डेवलपमेंट समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये बुक पढ़ते वक्त मुझे एहसास हुआ। ये जो बुक है इससे क्या पता चलता है कि बच्चे जब टैंट्रम्स थ्रो करते हैं तब हमें उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, हमें हमारा पेशेंस लेवल कैसे काम रखना चाहिए, शांति से गुस्सा नहीं करना है। ओके, सो और ये वाली बुक जो है ये क्या सिखाती है कि बच्चे टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। ओके, तो साइंटिफिक अगर आपको जानना है, आपके बच्चों को अच्छे से जानना है, तो आप डेफिनेटली ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। सो फर्स्ट चैप्टर में ऑथर ने पेरेंटिंग क्या होना चाहिए ये इंट्रोड्यूस किया है। बच्चों का लेफ्ट एंड राइट ब्रेन टुगेदर वर्क होना कैसे जरूरी है और ये हमें ही करना पड़ेगा कि मतलब अगर बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो तब उनके साथ लॉजिकल बोलना कोई फायदेमंद नहीं है। सो तब हमें बच्चों को एक्चुअल किस वे में समझाना ज़रूरी है। ये मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से एग्जांपल्स लिए हैं। सो उन एग्जांपल्स की हेल्प से हमें समझ में आता है कि जब लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हुआ है तब राइट ब्रेन एक्टिव करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या बोलना ज़रूरी है बच्चों के साथ। ओके, ये अभी सुनते वक्त बहुत हार्ड एंड कुछ गलत ही लग रहा होगा, लेकिन बुक पढ़ने के बाद आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चल जाता है कि बच्चों का अपस्टेयर्स ब्रेन एंड डाउनस्टेयर्स ब्रेन जब एक्टिव हो जाता है किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो वो बिहेव कैसे करेंगे, तो उन्हें समझाने के लिए हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं ये इस बुक में अच्छे से दिया है। अगर उनका अपस्टेयर एंड डाउनस्टेयर ब्रेन साथ में वर्क करेगा तो उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलता है हाउ अ चाइल्ड कैन डील विद देयर पेनफुल मोमेंट्स। हर चैप्टर में एग्जाम्पल वाइज, रियल एग्जाम्पल्स वाइज समझाया गया है, वो बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और बीच बीच में हमें पिक्चर की हेल्प से बताया गया है कि ऐसे इंसिडेंट्स में अभी कुछ सिचुएशन दी गई है तो उन सिचुएशन में बच्चों का एग्जैक्टली ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव हो गया है एंड वो पार्ट एक्टिव होने के बाद वो थिंकिंग कैसे करते हैं एंड उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमें उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए तो तब वो कैसे फील करेंगे, ये पिक्चर में अच्छे से सिचुएशन वाइज समझा। तो इस बुक के बारे में ऐसा कुछ निगेटिव पॉइंट मुझे अभी तक तो ध्यान में नहीं आया है, ना ही इस बुक के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट बुक ले लेंगे, पेरेंटिंग टिप्स फॉर इंडियन पेरेंट्स। दिस बुक इज बेसिकली डिवाइडेड इन 6 सेक्शंस एंड ईच सेक्शन हैज डिफरेंट चैप्टर्स इन इट। ओके, सो जो न्यूली मदर्स होती है उनके लिए ये फर्स्ट सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है क्योंकि उसमें न्यू बॉर्न किड्स से लेके 19 ईयर के किड्स तक की इंफॉर्मेशन दी गई है। स्पेशली 0 to 1 year के बेबी की बहुत ही डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन है कि उनकी मसाज कैसे करनी चाहिए, उनको पॉटी ट्रेनिंग कैसे कराना चाहिए, उनकी फूड हैबिट्स यानी उनको खाना देते वक्त क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, बहुत ही डिटेलिंग में समझाया है ऑथर ने। सो सेकेंड वाले सेक्शन में हमें पता चलता है मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, हाउ टू से एंड व्हेन टू से नो टू योर चाइल्ड, हैंडलिंग लाइज ऑफ चिल्ड्रन, गुड टच बैड टच कॉन्वर्सेशन,
पॉजिटिव पेरेंटिंग का रियल मीनिंग क्या है, ओके okay? तो ये सब हमें सेकेंड सेक्शन में पता चलता है। सो नेक्स्ट सेक्शन में हमें पता चलता है प्रैक्टिकल पेरेंटिंग यानी क्या, हाउ टू डेवलप द हैबिट्स ऑफ रीडिंग इन आवर चाइल्ड, मेकिंग योर चाइल्ड इमोशनली इंटेलिजेंट, गैजेट्स, इंटरनेट एंड योर चाइल्ड। इन टॉपिक्स के नीचे आपको ढेर सारी टिप्स मिल जाएंगी ऑथर की तरफ से, जिनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये बुक लिखी गई है। सो बेसिकली व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस बुक, बहुत सारी टिप्स हैं सिर्फ, तो विच इज ऑल्सो यूजफुल। ऐसे नहीं कि टिप्स यूजफुल ही नहीं है, मीनिंगलेस टिप्स है, लेकिन इन बुक्स में कैसे रियल एग्जाम्पल्स थे और रियल सिचुएशंस दी गई थी और वहाँ पे तरीका बताया था कि अगर हमने बच्चों से इस तरीके से बात की है, एग्जैक्ट वहाँ पे वर्ड्स थे, तो ये तरीके से बात ना करते हुए हमें इस तरीके से बात करनी है, ओके okay? तो हम जब बच्चों पे गुस्सा करते हैं तो एग्जैक्टली बच्चे क्या फील करते हैं, हम जब नहीं करते तो बच्चे क्या फील करते हैं, वो सारा सब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में था, उतना इसमें मुझे नहीं लगा डिटेलिंग में। नेक्स्ट इज वॉकिंग विथ योर चाइल्ड। सो अगेन ये भी इंडियन ऑथर ही है। सो इस बुक में भी हमें स्टार्टिंग के फ्यू चैप्टर्स में बच्चों की 0 to 19 ईयर तक की डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से ऑथर ने टिप्स दी हैं, समझाया है। सो यू विल गेट सम गुड टिप्स ऑन हाउ टू डील विद योर किड्स बेसिक फीलिंग्स एंड हाउ टू हैंडल एन एग्रेसिव चाइल्ड एंड हाउ टू डील विद बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ सेंसिटिव किड्स एंड मेनी मोर। तो व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस बुक इज इसमें टिप्स के साथ साथ छोटी छोटी स्टोरीज भी इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से हमें एग्जैक्टली ऑथर क्या कहना चाह रहा है वो अच्छे से समझ आता है। एंड व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस बुक कि ये बुक काफ़ी हद तक सेम है, ऑल्दो उनका बोलने का तरीका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर एक ऑथर का, तो वो अलग अलग है दोनों का, लेकिन पहले इस बुक में भी आपको 0 to 19 ईयर के बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा, इस बुक में भी सेम, ओके। हाफ ऑफ द बुक इज वेरी डिफरेंट, दिस ऑन दिस ऑल्सो बहुत डिफरेंट है, लेकिन आप इन दोनों में से कोई एक भी बुक अगर परचेज करोगे तो भी आपको पेरेंटिंग में काफी अच्छे से हेल्पफुल रहेगा। लास्ट एंड माई मोस्ट फेवरेट बुक, ग्रोइंग अप इन एडॉप्शन स्टोरीज फ्रॉम एन इंडियन प्रोस्पेक्टिव, रोजाना कल्याण वाला ऑथर है। ये बुक एडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा यूजफुल है, ओके। सो ये बुक्स चैप्टर्स में डिवाइडेड है और हर एक चैप्टर में रियल पेरेंट्स के एग्जाम्पल्स यानी कि उनका एडॉप्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उन्होंने जब बच्चों को बताया कि वो एडॉप्टिव है तब बच्चों ने उस चीज को किस तरीके से हैंडल किया वो सब कुछ दिया है, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, उन्हें क्या क्या सिचुएशन को फेस करना पड़ा, ये सारा सब कुछ इसमें दिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो सब पूछते रहते हैं कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, सो ये खुद बच्चों ने भी यहाँ पे लिखा है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था कि जब उन्हें पता चला वो अडॉप्टेड हैं, बच्चों को कैसा लगा। सो ये पढ़ते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा एक होता है ना पीस, वो मिला, और कुछ कुछ बच्चों का गुस्सा भी आया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन बच्चे अगर पेरेंट्स को कुछ गलत बोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लगता है बुरा भी, क्या करें। सो इस बुक में बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन यानी इंडियन पेरेंट्स जो अब्रॉड रहते हैं उनके एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व है एंड जो इंडिया में भी रहते हैं, इनफैक्ट जो महाराष्ट्र में भी रहते हैं ऐसे वाले पेरेंट्स के भी एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व है। ये इंग्लिश में है, ये सारी बुक ये इंग्लिश में है, 12 या 15 पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस इसमें हैं, तो उतने ही उनके सारे बच्चों के भी एक्सपीरियंसेस हैं। एंड बच्चे बहुत हद तक सारे ही बच्चे 20 या अबव 20 के ही हैं और बहुत सारे बच्चों की तो शादी भी हो गई, उनके बच्चे भी हैं, ओके okay? तो इस हद तक लेके जाती है ये बुक, तो इतना सारा सब कुछ हैप्पी एंडिंग जब दिखाता है किसी फैमिली का तो वो बहुत अच्छा लगता है पढ़ते वक्त। सिर्फ इतना नहीं कि 7-8 साल का ही बच्चा है और उसको पता चला है, तो ऐसे नहीं, ओके okay? सो कंप्लीट नॉलेज है इसमें, लेकिन ये कारा आने के पहले जो अडॉप्शन की प्रोसीजर थी उस पे बेस्ड है ये सारे अडॉप्शन के एक्सपीरियंसेस एंड अडॉप्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो हालांकि कुछ भी नहीं इसमें लिखा गया क्योंकि तब आई डोंट थिंक कि कुछ प्रोसीजर थी भी, सिर्फ जाके सिलेक्ट करना रहता था एंड बाकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसीजर रहती थी। तो कारा के बाद जो अडॉप्शन हुए हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस आने में मेरे हिसाब से और 10 या 15 साल लग जाएंगे, क्योंकि
इसमें बच्चों के भी एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व हैं एंड उनकी शादी हुई है नहीं हुई है, वो प्रैक्टिकली सेटल्ड है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस प्रोफेशन में है, ये सारा सब कुछ ये बुक हमें दिखा देती है। तो इसलिए कारा के एक्सपीरियंसेस आते आते तो 10 या 15 साल तो लग ही जाएंगे। तो ये एक ही बुक आप रीड कर लोगे तो दैट्स इट। इसके अलावा भी बहुत सारी एडॉप्शन पे बुक्स थी लेकिन इस बुक की प्राइस क्या है, सिर्फ 249। सो इसलिए मैंने मंगाई क्योंकि इसमें रियल एडॉप्टिव पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स रिव्यूज़ पढ़ने के बाद ही मैंने ये बुक मंगाई थी लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी ये बुक, ओके। और ये बुक पढ़ने के बाद मुझे ये भी पता चला कि कुछ चीज़ें बच्चों के साथ वक्त पे ही बताओ तो अच्छा होता है, ओके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सच सच बोल के नहीं होता प्रॉब्लम सॉल्व। एंड इस बुक में एडॉप्शन के रिगार्डिंग और भी बुक्स के नाम आपको मिल जाएंगे जो पेरेंट्स ने पढ़ी हैं तो वो उन्होंने इसमें नाम मेंशन किए हैं, ओके। लेकिन मैं इसके अलावा एडॉप्शन के रिगार्डिंग और कोई भी बुक्स नहीं मंगाने वाली क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एडॉप्शन और क्या बच्चों को बताना है, कैसे बताना है, ये सिचुएशन हमें सिखाती है। ये हम कितने भी बुक्स पढ़ ले, क्या भी कुछ भी कर ले, ये हमें नहीं समझ में नहीं आता ज़्यादा हद तक। थोड़ा बहुत हमें जस्ट एक वे मिल जाता है लेकिन समझ में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये एक ही बुक काफ़ी हो गई और मुझे सिर्फ इसमें ही नहीं अटक के रहना है एडॉप्शन। मेरे हिसाब से पेरेंटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, काउंसलिंग, पेरेंटिंग, वो सारा सब कुछ। तो ऐसी वाली बुक्स और आती ही रहेंगी, अगर मुझे पसंद आई तो उनके रिव्यूज़ भी आपके लिए लाती रहूँगी, ओके। तो मैं अगर आपको इन पाँचों में से कोई बुक अगर आपको रेफर करना चाहूँगी तो वो ये रहेगी, फर्स्ट ये वाली, सेकंड एंड थर्ड अगर आप एडॉप्टिव पेरेंट्स हो तो ये वाली बुक। तो ये तीनों बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप नॉन एडॉप्टिव पेरेंट्स हो तो आप इस बुक को साइडलाइन कर सकते हो एंड ये दो बुक और उसके साथ इन दोनों में से कोई एक बुक अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये दो बुक मंगा ली तो भी मोर देन इनफ है, ओके। सो ये पूरी पांच बुक मंगाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये रिव्यू से आपको बुक्स के अंदर क्या क्या है वो मटेरियल बोलने की मैंने बहुत डिटेलिंग में बोलने की कोशिश की है और वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। एंड यस, वीडियोस थोड़े से स्लो डाउन हो गए हैं, कुछ रीजंस है, अप एंड डाउन होते रहते हैं लाइफ में हर किसी के। सो क्या ही बताओ। सो सब्सक्राइब करते हो आप लोग और जुड़े रहते हो वीडियोस की वेट करते हो, उसके लिए रियली दिल से थैंक यू। एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेल भी करते रहते हैं, यूट्यूब में भी लिखते रहते हैं कि आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो। सो उसका रीज़न कैसे बताऊँ, ऐसे हो गया है मुझे। सो आई होप अब मैं अच्छे से वीडियोस बना पाऊँगी। मैंने अभी ठान ही लिया है कि अभी मैं नहीं पीछे हटूँगी, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय।